अखंड भारत चाहिए हमें, अखंड भारत। अब वो दिलवाया कौन मोदी? अभी क्या है, अभी अखंड भारत नहीं है, अब क्या है? आप बताओ ना क्या है? मोदी के देख रेख में सब हिंदू का पाठ पढ़ने लगे हैं। शाहरुख खान जैसा खान वहाँ जाके पठान मूवी के लिए वैष्णो देवी गया, तो क्या दिक्कत है उसमें है? क्या दिक्कत है? एक बार वैष्णो देवी गया वो, अरे उसकी मर्जी भाई। क्यों गए आप? सुनो, भारत में जो भी आदमी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, मर्जी। योगी, योगी जी से मुंबई में सुनील शेट्टी कह रहा है हमारा बाइकॉट हटवा दो। बॉलीवुड को भीख मांग रहा है योगी जी से। कौन कह रहा है? कौन भीख मांग रहा है? कौन कह रहा भीख मांग रहा? कौन? पढ़ो पढ़ो, वो भीख मांग रहे हो कौन? हां बाइकॉट हटवा दो, बाइकॉट। 150 रुपए लीटर भी तेल गिरवाएंगे, आएगा मोदी। क्या रे, तेल कितना भी महंगा हो जाएगा तो मोदी भैया क्यों आएंगे? नमाज हमें नमाज पढ़नी पढ़नी हमें, अखंड भारत चाहिए हमें, अखंड भारत। अब वो दिलवाया कौन मोदी? अखंड भारत किस बेस पर चाहिए? किस बेस पर चाहिए बताओ ना। अखंड अभी क्या है, अभी अखंड भारत नहीं है, अब क्या है? आप बताओ ना क्या है? मोदी के देख रेख में सब हिंदू का पाठ पढ़ने लगे हैं। शाहरुख खान जैसा खान वहाँ जाके पठान मूवी के लिए वैष्णो देवी गया, तो क्या दिक्कत है उसमें है? क्या दिक्कत है? एक बार वैष्णो देवी गया वो, अरे उसकी मर्जी भाई। क्यों गए आप? क्यों? सुनो, भारत में जो भी आदमी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, मर्जी। योगी, योगी जी से मुंबई में सुनील शेट्टी कह रहा है हमारा बाइकॉट हटवा दो। बॉलीवुड को भीख मांग रहा है योगी जी से। क्यों मांग रहा है? भीख मांग रहा? कौन कह रहा भीख मांग रहा? कौन? पढ़ो पढ़ो, वो भीख मांग रहे हो कौन? हाँ बाइकॉट हटवा दो, बाइकॉट, बाइकॉट हटवा दो। बॉलीवुड एक मिनट, योगी जी यूपी के सीएम, मुंबई गए, चर्चा करी, सारे एक्टर थे वहाँ, डायरेक्टर थे, सब कुछ थे, लेकिन एंड में जैकी श्रॉफ ने भी एक सवाल उठाया कि घर आओ नाश्ता करो, हमारी फैमिली बहुत अच्छा मानते हैं आपको, आओ कभी भी। योगी जी, सुनील शेट्टी ने बस पता क्या बोला? ये बायकॉट हटवा दो। अब कैसे बॉलीवुड झुक रहा है? क्यों झुक रहा है बॉलीवुड? दिखाऊं अभी लाइव, दिखाऊं दिखाऊं लाइव? अरे भाई लाइव दिखाऊं सर, तो मेरी बात सुनो, अगर सुनो सुनो, योगी जी ये बोल रहे हैं, अरे सुनो, योगी जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे। योगी जी ने बोला कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी भाई? रंग के ऊपर जो बवाल हो रहा सही हो रहा है। किसके लिए? रंग के ऊपर। सुनो अब रंग की सुन लो, अभी बॉलीवुड से पहले जितने भी कलाकार आए, जो पारिवारिक कलाकार आए हैं, उनके साथ क्या हुआ जा रहा है? वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और जो बेचारे सुशांत राजपूत जैसे, और अब ये कि नया एक्टर कार्तिक आर्यन जैसा ये आ रहा है, इन्हें करण जौहर की प्रोडक्शन बायकॉट कर रही है, ये सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे, उन्हें बायकॉट कर रहे हैं, जो नए नए एक्टर आ रहे हैं, जो पारिवारिक पेट से पैदा हुआ है वो तो बढ़े जा रहे हैं। बताओ भैया, देखिए बात करते हैं, आपने कहा कि बीजेपी चाहिए क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में था पहले, पहले हिंदू खतरे में था। खतरे में नहीं था, लेकिन हिंदुओं के लिए पहले हुआ क्या? सुनो एक मिनट, चले चोर पंती करने तो आप जा सकते हैं, ये बदतमीजी नहीं चल रही, आपसे आप भी धमकी दे रहे हैं, साथ ही चार धाम यात्रा में भैया इनकी पहले बात पूछता हूँ, आप जो सपोर्ट इधर के थे क्या बोल रहे थे बताना, क्यों नहीं हुआ? आप जो बोल रहे थे कुछ और, ये बोल रहे थे कुछ बोलना चाह रहे थे, सुनो सुनो सुनो, बोल रहे थे किस बात पे बोले, मुद्दा क्या है बताओ, मुद्दा बताओ। बीजेपी राज में हिंदुओं की सरकार है, अखंड भारत चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ इस बारे में, आप बोलो बोलो बोलो। अखंड भारत तो है ही, जब ये जो बोल रहे तो गलत उन्होंने बोला नहीं,
कुछ नहीं गलत बोला उन्होंने, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सब आपस में भाई भाई है। नमाज नहीं पढ़नी क्या, हिंदुओं का देश है यार। उन्होंने बात सुनी इनकी, सुनिए सुन लेते वापस सुन लेते। अभी आपने कहा कि जो हिंदू है वो यार रुक जाए शांति से, वरना चला जाए चला जाए। साध्वी प्रज्ञा की भाषा बोलेंगे, साध्वी प्रज्ञा की भाषा नहीं बोल रहा मैं अखंड भारत का हिंदू होने के नाते वो भाषा बोल रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, हज पे जितने भी जाते थे सबको पैसा मिलता था सरकारी की तरफ से, चार धाम यात्रा में किस हिंदू को पैसा मिला है बताओ? मतलब भाई कि बीजेपी हिंदू इतने क्या? सुनो मेरी बात, पहली सरकार है जिसने हिंदुओं के लिए सोचा। हाईवे देख लो कितने हाईवे, अब एक सेकंड में पेरिफेरल पकड़ लो कहीं से कहीं निकल जाओ। पहले कांग्रेस में कौन सा हाईवे बना था? दादरी रेलवे फाटक के ऊपर कोई कभी वो पुल नहीं बना था छोटा सा, बीजेपी में बना। कन्या लोड पे कितने पुल आते पड़े थे कई सालों तक, आज वो पूरे हुए। अपने ये उत्तराखंड हिमाचल चार धाम यात्रा के डबल रोड कर दिए गए किसके राज में? नितिन गडकरी का क्या है कि बीजेपी ने बड़ा काम किया और गिनवा भी दिया, लेकिन बवाल एक रंग को लेकर क्यों चल रहा है भैया? हमारे अब रंग का बताता हूँ और तिलक का बताता हूँ, टोपी का बताता हूँ। सुनो, हिंदुओं की पिक्चर आती है हमेशा गुंडा तिलक लगा हुआ है क्यों दिखाया जाता है? हमेशा बाबाओं की बेइज्जती होती है क्यों दिखाया जाता है? पीके मुच्छर ले लो, कोई सी भी ले लो, कभी भी उसमें कोई मौलवी क्यों नहीं दिखाया कि ये पाखंडी है क्या है, वो क्यों नहीं दिखाया मौलवी बताइए? अब पूछो उनसे भी, सपा सरकार वाले से भी। उस टाइम ये नमाज पढ़ने जाते थे, ये अखिलेश यादव जिनकी राम राम हो रही है, अब सलाम हो रही है, अब क्यों ही नहीं हिंदू याद आ रहे हैं? अब राहुल गांधी को क्यों पार्टी याद आ रही वाला? गाली से सॉरी चाहता हूँ, मुंह से निकल गई। कपड़े से कैसे आस्था को ठेस पहुंची? मोदी कपड़ों से कैसे किसी की आस्था को ठेस? मोदी है तो मुमकिन है, जब तो इन्हें भगवान याद आ गए, इससे पहले तो भगवान नहीं था। पीछे से आवाज आ रही है महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है। सुनो मेरी बात, अब क्या पीछे से आवाज आ रही चल रहा है तो 2000 वाली महंगाई चाहते हो क्या? सस्ता ही बदल रहा है, बदलाव आ रहा है। अब तो सबको हिंदू धर्म याद आ रहा है, राम राम ही कर रहे सारे। एक बात बता दूं, मैं मेरी बात को ध्यान से सुन रहा, सभी का खून है इस देश की मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी रहा है। ये तुमसे सहमत है? सभी जात सभी को मिलाकर हिंदुस्तान बनता है, हिंदुस्तान तभी तो लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू भी इसमें ही है, मुस्लिम भी इसमें, ईसाई भी इसमें, सिख भी इसमें, तभी जाके हिंदुस्तान बनता है। रही बात दूसरी शाहरुख खान की, तो जिसका जो मजहब है उसमें कोई इंटरफेयर मत करो, हर एक धर्म में नालायक लोग होते हैं समाज में, मानते हैं। वन साइड कुछ नहीं हो सकता, दोनों साइड ही लोग होते हैं जो कि इस चीज को ऐसे टारगेट करते हैं। सेंसर बोर्ड को हटा दो फिर फिल्म आप ही रिलीज करोगे क्या? भैया एक मिनट, सेंसर बोर्ड उसमें हिंदू लोग बैठे हैं, फिल्म किसने बनाई? वो हिंदू ने बनाई। ऑब्जेक्शन किसका उठा रहे हो भाई? रही बात उसकी कि भाई तिलक वाले को गलत तरीके का रोल देते हो, पैसे दिए जाते हैं भाई, पहनावे कपड़े पे तो जाओ। आपका सवाल नहीं, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दो, बात तो पूरी कर भाई। मेरा सवाल क्या है? क्या मैं दिखा रहा हूं मेरा सवाल पूरा हो जाने दो, इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को देख लो। छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके बच्चे, आपकी लड़की, हमारी लड़की बहन, अश्लीलता पे विरोध करो। सुनो, दोनों पे आया मैं रंग पे भी आया, दोनों पे आया। महाराज सेंसर बोर्ड में बैठाओ ना महाराज को, अगर बॉलीवुड में। अब तो काट दिया ना, अब तो बदलाव हो गए, अब तो क्या चल गई सेंसर। माता वैष्णो देवी याद आ गई उसे? बवाल आ गई याद माता वैष्णो देवी? क्यों याद आई? मुमकिन हुई सबको हिंदू याद आ गया, अब फूट पाठ पूजा याद आ गई सबको, उससे पहले किसी को याद नहीं थी। मुस्लिम लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया क्या? बताओ ना तुम यार किस तरीके की बात कर रहे हो यार, क्या किसने छोड़ा? नहीं आजकल ये मामले क्या कर रहे हैं? अभी तुमने कितने केस सुन लिए लड़कियों के साथ, कितने अत्याचार हुए, कितने क्या सुनो बीजेपी सरकार में। अरे भाई तो नहीं ले रहे चाइना मैं यार सुनो एक सेकंड रुको, आप जो है शाहरुख खान की बात कर रहे हो, आप शाहरुख, अरे सुन तो ले भाई मेरे, आप शाहरुख खान की बात कर रहे हो ना भाई। सुनो अंजलि जो लड़की एक्सपायर हुई है जिसके साथ में हादसा हुआ है, उसको शाहरुख खान ने पैसे दिए, गलत कर दिया उसने, 45 करोड़ दिए। अरे भाई मदद करता है जाती है, तो अगर कोई हादसा किसी देश में हो तो कोई भी देश मदद कर सकता है क्यों? अरे अगर शाहरुख राज और राहुल का कैरेक्टर निभाए तो अच्छा, पठान और रईस करते तो बुरा। कौन सा पठान रईस का बताओ, कैसे राहुल राज और राहुल निभाता तो बढ़िया लगता है। हमने जब भी बढ़िया नहीं कही, देखा नहीं आपने शाहरुख? हमने बहुत देखा, हम तो लाइव भी मिले हैं, हमने तो बहुत देखा शाहरुख खान से लाइव। लेकिन हम जब भी विरोध क्यों, हमने जब भी विरोध जब भी था। सुनो मिल भी लिए आपने, देखी भी और अब विरोध आप
पंजाब की अदालत का उसका पहला शो देखना कैसे आया था, हाथ जोड़ तो जनता उठ ही नहीं थी उसके ताली बजे। शाहरुख का विरोध क्यों? मुस्लिम है इसलिए विरोध, शाहरुख का मुस्लिम है इसलिए। हाँ नहीं, जो हिंदू के प्रति वो चल रहा है गलत वो। भैया नाम क्यों पूछ रहे थे? नाम क्यों पूछ रहे हिंदू? अरे भैया नाम क्यों पूछ रहे? पहचान करेंगे? नहीं 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 नहीं, हे भगवान, मैं ऐसे पूछ रहा था, ऐसे चैनल का नाम पूछ रहा था। बस भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं। वो महंगाई कहाँ है? हमें महंगाई नहीं लग रहा है, महंगाई बहुत है। ठीक है, ये थे लोग और जनता जो असल मुद्दों को बताती है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कितना परेशान है। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई का ही नहीं, हालांकि कुछ पार्टी के ये लोग हैं जो उत्साहित है, लेकिन सवाल ये कि जो जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, जहां सरकार दावा कर रही है, अमित शाह खुद कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, इस्तीफा दे दो, ऐसे में ये लोग सड़क पर जनता ट्विटर से लेकर, आपने देखा होगा अमित शाह के बयान को लेकर ट्विटर पर भी लोगों ने ट्रोल किया और ट्रोल ट्विटर से अब सड़कों तक पहुंच गया। जनता पूछ रही है कि भैया आपने कितना रोजगार दे दिया, आपकी सरकार जहाँ जाए, जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ कितना रोजगार मिल गया? रोजगार को लेकर 2024 में क्या कुछ होने वाला है? क्या बड़ा मुद्दा बन पाएगा रोजगार और महंगाई, या फिर एक बार धर्म की राजनीति हावी हो जाएगी इन तमाम मुद्दों पर? यही सब देखना होगा और देखते हैं कि 2024 की लड़ाई किस ओर जाती है और कौन सी राजनीतिक पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।